लोग सीआईडी से, आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ नहीं होगा आपको। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं मुझे। आप यहाँ पहुंची कैसे? नहीं पता। आपको अपना नाम तो याद होगा? नाम? नाम? नहीं, नाम नाम क्या है? नहीं पता मैं कौन हूँ और कहाँ से आई मैं, यहाँ कैसे पहुंची, मुझे कुछ नहीं पता। सर, ये तो बेहोश हो गई। एम्बुलेंस अभी तक आई क्यों नहीं? सर, एक बात समझ में नहीं आ रही, इसे तो गोली सिर्फ छू के निकली, फिर इतना सारा खून कैसे बह गया? हाँ सर, शरीर पे जो घाव है वो ज्यादा गहरे नहीं है। मामला गड़बड़ है, इसको एम्बुलेंस से भेजने के बाद पूरा एरिया अच्छी तरीके से छान मारते हैं, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। इन्फॉर्मेशन तो जल्दी बता देने तो मैं चला जाता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। अरे यार, तुम्हारी आदत पड़ गई है बॉस, हमेशा घोड़े पर सवार होकर के आते हो। अब इसमें वक्त लगेगा तो लगेगा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सर, उसके शरीर में से हमें ये कांच के छोटे छोटे टुकड़े मिले, शायद किसी खिड़की या टेबल के हो सकता है। कांच के टुकड़े खिड़की या टेबल के? तो फिर हमला कमरे के अंदर ही हुआ है, घर के अंदर। और उस कमरे में वो लड़की अकेली नहीं थी बॉस, उसके साथ तीन और लोग भी थे। यह आप कैसे कह सकते सालूम के साथ? क्योंकि मुझे उस लड़की के कपड़ों और शरीर पर तीन अलग अलग लोगों के खून का सैंपल मिला है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस औरत ने तीन और लोगों का खून कर दिया? ये भी तो हो सकता है सचिन कि वो तीन लोग इस लड़की के साथ थे और उन पर भी हमला हुआ। लेकिन ये लड़की है कौन? है कौन ये लड़की और है कौन वो तीन लोग, पता लगाना पड़ेगा। सचिन, कुछ पता चला उस अनजान लड़की के बारे में? नहीं सर, उस अनजान लड़की के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उसे एम्नीशिया की बीमारी थी। सर, एम्नीशिया की बीमारी? याददाश्त खो गई उसकी? लेकिन उसकी रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं कि उसके दिमाग पर कोई चोट लगी है जिसकी वजह से यह एम्नीशिया हो सकता है। सर, डॉक्टर्स के हिसाब से सदमे की वजह से उसकी याददाश्त खो गई। सर, जब तक ये लड़की हमें कुछ बताएगी नहीं, हम उसकी मदद कैसे करेंगे? फ्रेडी, उस लड़की के शरीर पर तीन लोगों के खून मिले, हम उन खून से पता लगा सकते हैं ना उस लड़की के बारे में। सर, जिन तीन लोगों के खून मिले हैं उनका हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। कोई भी रिकॉर्ड नहीं है? किसी भी हालत में इस लड़की के बारे में हमें पता लगाना ही होगा, क्योंकि उसके साथ जो भी लोग थे हो सकता है उनकी भी जान को खतरा। सर, जहाँ से हमें ये लड़की मिली थी उस इलाके में हमने पूछताछ की, मगर वहां से कोई भी नहीं जानता। लड़की को कोई भी नहीं जानता? तो फिर एक काम करो, इस लड़की के फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, सारे पुलिस स्टेशन में। जरूर किसी दूसरी जगह पर इस लड़की के साथ कोई हादसा हुआ होगा और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए भागकर यहाँ तक पहुंची जहाँ पर हमें मिली। मगर सर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये लड़की कौन सी जगह से आई है? फ्रेडी, ये लड़की जहाँ पर हमें मिली उस एरिया का नक्शा लेकर आओ, पूरे एरिया का नक्शा। वो लड़की मिली हमें यहां पर, यहां जंगल वाले इलाके में, है ना? अभी जंगल के बाएं तरफ है इंडस्ट्रियल एरिया मतलब फैक्ट्रीज, दाएं तरफ है फार्म हाउसेस और पश्चिम की दिशा में यहां पर कमर्शियल एरिया मतलब मार्केट। पूरे एरिया की एक एक जगह का फोटोग्राफ निकालो, एक एक जगह का फोटोग्राफ, और वो सारे के सारे फोटोग्राफ्स उस लड़की को दिखाओ, जरूर कुछ ना कुछ तो याद आएगा ही आएगा।
नर्स ये दो गोली अभी दे देना और दो गोली डेढ़ घंटे के बाद में देना, ठीक है? और हाँ, हर तीन घंटे में इनका ब्लड प्रेशर चेक करते रहना। साहब कैसी तबीयत है इनकी, बात कर सकते हैं इनसे? बात तो कर सकते हैं, मगर इनकी दिमागी हालत बहुत ही नाजुक है और फिलहाल ये अपने दिमाग पे जोर ना डाले तो बेहतर होगा। नहीं नहीं, हम लोग आराम से बात करेंगे। ओके। कैसी तबीयत है अभी आपकी? ये आपके लिए। टीवी बंद करो, प्लीज प्लीज, ये टीवी बंद कीजिए। आप ये टीवी बंद कर दीजिए प्लीज। याद आया क्या? कुछ नहीं याद आ रहा है, कुछ नहीं। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? आप बिल्कुल घबराइए ना, सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है? शांत हो जाइए। देखिए, हम आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाएंगे, उन्हें देखने से शायद आपको कुछ याद आ जाए। ओके, निकल। ये देखिए आप। निकल एक मिनट, वो बलारा रोड वाली फोटो पर से दिखाना। कुछ याद आता है क्या आपको इस फोटोग्राफ को देख के? याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये फोटो देख के अजीब सा लग रहा है। बलारा रोड, ठीक है, कोई बात नहीं। आप आराम कीजिए, हम लोग फिर मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू वेरी मच। लारा रोड से कोई ना कोई संबंध है इस लड़की का, देखा कैसे चौंक गई थी। हाँ दया, बनारस की तो यही है, इसी जगह का फोटो देख के घबरा गई थी वो लड़की। यहाँ पर लोगों से पूछताछ करते हैं, देखते हैं कोई जानता है क्या लड़की को। भाई साहब, आपने इस लड़की को यहाँ पर देखा? नहीं सर, मैंने गौर से देखिए ना, यहाँ पर कहीं आसपास नहीं, 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 नहीं। सर, बहुत लोगों से पूछा लेकिन कोई उस लड़की को नहीं पहचानता। सर, इस तरफ भी कोई उसे नहीं पहचानता। का मतलब है वो लड़की यहाँ आसपास नहीं रहती, वरना जरूर कोई ना कोई उसे पहचान देता। तो फिर सर, वो इस जगह का फोटो देख के घबराए क्यों? ऐसा क्या इस जगह में? हो सकता है कि उसने इस जगह के आसपास कहीं खून किए हो या उस पर यहाँ हमला हुआ हो। मगर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो जगह कौन सी थी? एक मिनट, हॉस्पिटल में ये लड़की अचानक टीवी देखते देखते परेशान हो गई थी, उसने कहा था टीवी बंद करने के लिए। हाँ सर, बहुत बेचैन सी हो गई थी और उस वक्त टीवी पर घोड़ों के डॉक्यूमेंट्री के ऊपर फिल्म आ रही है। हाँ सर। तो घोड़ों को देखकर बेचैन क्यों हो गए? यहाँ पे आसपास ऐसी कोई जगह है जहाँ पे घोड़े हैं? सर, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर उधर एक फार्म हाउस है जहाँ पर घोड़े हैं। चलो वहीं चल के देखते हैं, क्या अभी फार्म हाउस में कुछ हुआ होगा। Yes, sir.
इतना बड़ा फार्म हाउस है, गेट पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, यहाँ पर कोई केयरटेकर भी नहीं है। इस तरफ से आ रहा है। सर ये निशान तो अंदर से बाहर की तरफ आए हुए। अंदर कुछ हुआ है। कमरे की हालत देखकर लगता है कि यहाँ पे बहुत खून खराबा हाथापाई हुई थी। सर अमित, ओह नो, देखिए सर दो दो लाशें, दोनों को एक ही तरीके से मारा गया है। ये दोनों है कौन? कपड़ों से तो बॉडीगार्ड लग रहे हैं। ये सर ये बॉडीगार्ड ही है सर, ये देखिए इसका एक हाथ। पर सर ये दोनों यहाँ संजय जी के फार्म हाउस पर? हो सकता है संजय जी की सिक्योरिटी के लिए रखा गया उन्हें। सर वो देखिए सर, खिड़की का कांच टूटा हुआ है। कांच टूटा नहीं है बनी, काटा गया है। वैक्यूम कटर से ग्लास को काट दिया गया, हाथ अंदर डाला, ये लाच खोला और खून इस खिड़की से अंदर आया। फिर तो हो सकता है सर बॉडीगार्ड्स ने उस खूनी को देख लिया होगा, इसलिए उसने इन्हें गोली मार दी। हो सकता है। काम करो, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। इन तीनों को भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया है जैसे नीचे उन बॉडीगार्ड्स को, एक गोली माथे पर और दूसरी छाती में। तो ये दोनों घर के मालिक हैं, शायद पति पत्नी। यस सर, इनके पास ये आई कार्ड मिला है, इन्हीं का नाम संजय है, इस फार्म हाउस और संजय ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक। सर इसके पास कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब है खूनी ने पहले उन दोनों बॉडीगार्ड्स को मारा, उसके बाद संजय और उसकी पत्नी को, और फिर इस अनजान आदमी को भी मार दिया। मगर वो लड़की यहाँ से बच निकली है। सर अगर वो लड़की यहाँ से बचकर भागी है तो उसने खूनी को जरूर देखा होगा। हाँ देखा तो होगा। ये क्या खूनी? इस गोली पे लगे खून से पता चल जाएगा कि गोली किस पे चलाई गई थी। मगर सर ये खून हुए क्यों? लूटने के इरादे से। क्या मतलब सर? ये देखो अलमारी के अंदर ये तिजोरी खुली पड़ी है और तिजोरी खाली है। लेकिन सर अगर लूटना ही होता तो इन सब की जान लेने की क्या जरूरत थी? इन सबको बांध के भी लूटा जा सकता था। हाँ ये बात तो है, अगर सिर्फ लूटने का इरादा था तो तब भी लूट सकते थे जब ये लोग घर पे नहीं होते हैं। संजय उसकी पत्नी और बॉडीगार्ड यहाँ पे छुट्टियां मनाने ही आते होंगे, और ये फार्म हाउस शहर से काफी दूर भी है। मामला कुछ और ही लगता है। 45 कैलिबर की गन से खून हुए सारे, 45 कैलिबर की गन से। अच्छा पता चला वो लाश किसकी थी जो संजय और उसके बीवी के साथ मिली? सर वो संजय का छोटा भाई अजय। संजय का छोटा भाई अजय,
और सर लाशों के पास हमें जो खून मिला है उसमें उस लड़की का खून भी है जो हमें मिली है। तो ये सारे के सारे खून बड़े प्लानिंग के साथ किए गए हैं। जिसने भी किया है ना ये सब, वो जानता था कि संजय, उसकी बीवी और उसका भाई अजय तीनों के तीनों फार्म हाउस पर जाने वाले थे। हाँ सर, खूनी को ये भी मालूम था कि अलमारी के अंदर एक खुफिया तिजोरी भी है। लेकिन उस तिजोरी में क्या था उसका कुछ पता चला? सर संजय के मैनेजर ने बताया कि तिजोरी के अंदर 20 से 30 लाख रुपए थे। 20 से 30 लाख? सर कहीं ये सारे खून उन पैसों की वजह से तो नहीं हुए? पूरी मान लिया कि उसने खून पैसों के लिए किया, तो फिर वो पैसा गया कहाँ? और फिर वो गन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो गन जिससे खून हुए वो कहाँ गई? सर हो सकता है उसका कोई साथी हो जो पैसे और गन दोनों लेके फरार हो गए। नहीं सचिन, मुझे नहीं लगता उसका कोई साथी था। अगर कोई साथी था भी तो क्या उसे अकेले छोड़ जाता ताकि हम उसे पकड़ लें? और फिर उसे ये थोड़ी पता था कि वो अपनी याददाश्त खो बैठने वाली है। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। आओ बैठ। पूरी तो अब कैसी हो तुम? पहले से बेहतर हूं। देखो अब देखो इन फोटोज को, अच्छी तरह से देखो, गौर से देखो और याद करने की कोशिश करो। नहीं, मैंने ये जगह पहले कभी नहीं देखी। ठीक है, आगे दिखाओ। देखो इन लोगों को, देखो देखो क्या तुम पहचानते हो इनको, याद करने की कोशिश करो। नहीं, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये संजय और ये संजय का छोटा भाई अजय और ये संजय की बीवी शोभा, इनका नाम सुन के कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं। चलो ठीक है, आगे देखो। ये है ना, ये वो जगह है, वो फार्म हाउस है जहां पर तुम पे हमला हुआ था। ये फार्म हाउस देखो इसे अच्छी तरह से, देखो कुछ याद आता है क्या? नहीं, नहीं, मुझे ये फोटो मत दिखाओ, हटा इस फोटो को, मुझे नहीं देखनी है। ये फोटो देख के आपको कुछ याद आ रहा है? बताइए क्या याद आ रहा है आपको? सर, इस हाथ में नहीं है कुछ निकला। क्राइम सीन की फोटो देखते ही उसे जरूर कुछ ना कुछ तो याद आया ही है। याद आया है, परेशान हुई वो, कुछ ना कुछ तो जरूर याद आया है उसे। इस संजय के घर वालों से जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी, कोई जानता है क्या इस लड़की को और क्या क्या जानता है इस लड़की के बारे में। हमारा तो सब कुछ लूट गया। संजय और अजय हमारी तो आंखें थी, हमारे तो आंखें छिली। ऑफिसर अब छोड़ना मत उस कुने को, फांसी दे देना। धीरज रखिए माँ जी, खूनी जो कोई भी है बचेगा नहीं। पूर्वी सर, आप ये फोटो देखिए, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? नहीं, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। जरा याद कीजिए, कहीं किसी रिश्तेदार की शादी में या आस पड़ोस में कभी देखा हो? नहीं, हमने इसे नहीं देखा। कौन है ये लड़की? ये लड़की भी उसी फार्म हाउस में थी जहाँ पे संजय का खून हुआ था, वहाँ से ये लड़की किसी तरह से बच निकली। लेकिन ये वहाँ क्या कर रही थी? ये तो हमें भी नहीं पता, मगर ये अपनी याददाश्त खो चुकी,
इसे अब कुछ भी याद नहीं। उसी ने मारा होगा मेरे बेटे को। अब याददाश्त खोने का ढोंग कर रही है। हो सकता है। अच्छा आप ये बताइए कि आपका छोटा बेटा अजय, क्या वो इस लड़की को जानता होगा? अब जानता होगा या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते। अजय बहुत सालों से हमारे साथ नहीं रहता था और वो अपने बारे में बताता भी बहुत कम था। ये अजय और संजय के बीच में संबंध तो अच्छे ही थे ना? संबंध तो अच्छे थे लेकिन एक साल पहले दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया था बिजनेस के सिलसिले में और दोनों अलग अलग हो गए। अजय ने तो अपना घर भी अलग ले लिया था। आप लोगों को किसी पे शक है? आपके परिवार का कोई दुश्मन या अजय या संजय क्या किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ हो? ये तो नहीं जानते हम लेकिन शांतनु ने कई बार ऑफिस में आकर तमाशा किया करता था। सूद समेत पैसे लुटाने के लिए दबाव डालता था वो। जान से मारने की धमकी भी देता था वो। ये शांतनु कौन है? निखिल इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। सर देखिए सर लड़की के कपड़े। लेकिन निखिल अजय तो इस घर में अकेला रहता था, लड़की के कपड़े उसकी अलमारी में कैसे आए? ये देखो ये एल्बम मिली है। ये क्या? उस घायल लड़की के साथ अजय की फोटो? सर उनको देख के लगता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लगता तो ऐसा ही है। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ मीरा। मीरा? सर जब मैं अजय का मोबाइल चेक कर रहा था तो उसके फोन पे किसी मीरा नाम की लड़की की कई कॉल्स थे, कॉल लिस्ट में। मीरा एक काम करो निखिल, मोबाइल कंपनी से पता करो कि ये मीरा रहती कहाँ है। कौन है आप लोग? किससे मिला आप लोगों को? शांतनु घर पे है। हाँ है मगर वो बुना अपार्टमेंट किसी नहीं मिलते। आप लोगों ने अपार्टमेंट लिया? सीआईडी को किसी की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। सीआईडी? क्या बात है रामू, कौन है ये लोग? साहब सीआईडी। क्या बात है सर? मिस्टर संजय, उनकी पत्नी और उनके छोटे भाई अजय, उनके खून के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। लेकिन मेरा इन खून से क्या लेना देना है? क्या ये बात सच है कि मिस्टर संजय ने आपसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और फिलहाल लौटाने की हालत में नहीं थे? हाँ ये सच है। और आपने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी? वो तो सिर्फ डराने के लिए। कहने और करने में बहुत अंतर होता है अफसर। और वैसे भी बहुत सारे लोगों के पैसे चुकाने थे उसे। मगर बहुत सारे लोगों ने मिस्टर संजय को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी आपकी तरह। मैंने संजय को नहीं मारा, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं तो कल सारा दिन टेबल टर्न होटल में था एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, वहाँ बहुत सारे लोग थे। आप चाहे तो किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है मिस्टर शांतनु, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। सर मोबाइल कंपनी से मीरा के घर का पता तो मिल गया है मगर। मगर क्या? मगर सर मीरा उस पते पे रहती नहीं है, कोई और रहता है और वो लोग मीरा को जानते भी नहीं। इस मीरा ने गलत एड्रेस क्यों लिखवाया होगा? एक काम करो, मीरा और अजय के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो कोई कॉमन नंबर है क्या जिस पे दोनों बात करते थे। सर ये मीरा ने कुछ स्केचेस बनवाए हैं, लगता है मीरा को स्केचेस बनवाने का बड़ा शौक था। स्केच को देख के लगता है जैसे मीरा बचपन से ही अनाथ और गरीब थी। ये स्केच देखिए सर, इसमें कई सारे लोग एक लड़की का ऑटोग्राफ ले रहे हैं, कहीं मीरा को एक्ट्रेस बनने का शौक तो नहीं है? हो सकता है फ्रेडी, और इसी वजह से वो किसी और जगह से यहाँ पे आई थी। ठीक है तीसरे स्केच में ये लंबी सड़क बनी हुई है और ये देखो ये एम का निशान, कहीं ये रेस्टोरेंट या नाइट क्लब का नाम तो नहीं है? कुछ
सकता है। सर, सर दोनों के मोबाइल पे सिद्धार्थ नाम के आदमी का नंबर कॉमन है। दोनों ने सिद्धार्थ से कई बार बात की है। सिद्धार्थ है कौन ये सिद्धार्थ? इससे मिलना पड़ेगा। लड़की के हाथों से आज तक कोई भी खूनी बच के नहीं निकला है। तो मैंने कोई खूनी कैसे? झूठ। अजय का भाई संजय और उसकी पत्नी दोनों का खून तुमने किया। सर, मैं भला उनका खून क्यों करूंगा सर? तो फिर हमें देख के भागा क्यों? वो तो सर मैं मियाना बनकर समझा और सही सही बता क्यों भागा? सर वो मैं शराब का धंधा करता है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग मुझे पकड़ने आए। ओह, तो तुम गैर कानूनी तरीके से शराब बेचते हो? हाँ, लेकिन मैंने कोई खून नहीं किया सर। तो फिर अजय से तुम्हारा झगड़ा किस लिए हुआ था? सर वो हम दोनों के बीच गलतफहमी हो गई थी। कैसी गलतफहमी? मुझे लगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ चक्कर चला रहा था, पर बाद में पता चला कि वो लड़की हम दोनों दोस्तों को बेवकूफ बना रही थी। वो लड़की मीरा थी? नहीं, मीरा से तो अजय बहुत प्यार करता था और उसे शादी भी करना चाहता था। तो क्या उस दिन अजय मीरा को अपने भैया भाभी से मिलाने के लिए फार्म हाउस ले गया था? हाँ। इस मीरा के बारे में तुम और क्या बता सकते हो? उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार के बारे में तो मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता सर, क्योंकि मैं जब भी उससे पूछता था तो वो बात टाल देती थी, तो मुझे लगा कि वो अपनी पर्सनल लाइफ मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहती, तो फिर मैंने भी जानना जरूरी नहीं समझा सर। मीरा रहती कहाँ पर है? उसके घर का पता तो नहीं मालूम, लेकिन एक बार मैं जब उसे घर छोड़ने गया था तो वो मेन रोड पर ही उतर गई थी। उसने कहा था कि अगर मेरे घर पे भाई ने देख लिया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। इसमें नाराज होने वाली क्या बात? मीरा का कहना था कि उसका एक भाई उसके लिए बहुत ज्यादा पजेसिव था। कौन से मेन रोड पे छोड़ा था तुमने उसे? बनगेरा नगर के मेन रोड पर सर। बनगेरा नगर? सर मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? मीरा। मीरा? हाँ, तुम्हारा नाम मीरा है। मेरा नाम मीरा है? जी हाँ, आपका नाम मीरा ही है। ये नाम आपको पहचाना लग रहा है? हाँ। देखो मीरा, हमें ये भी पता चल गया है कि तुम रहती कहाँ हो। कहाँ पे? तुम बनगेरा नगर में रहती थी। अब इस फोटो को देखो, देखो कुछ याद आता है क्या? बताओ कौन से घर में रहती थी तुम? कुछ याद आ रहा है ना इस घर को देखकर? इस घर को देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी इस घर को कहीं देखा है। तो फिर मीरा, हम तुम्हें इस जगह पर लेकर जाएंगे, तुम्हें और भी कुछ याद आ जाएगा। सर, इस स्केच में M अक्षर का मतलब पता चल गया सर। सर, M से एक नाइट क्लब है मोजो, और इस नाइट क्लब के बाहर भी ऐसे ही M अक्षर लिखा हुआ है। इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ था मीरा के साथ इस मोजो नाइट क्लब में ही हुआ है। मोजो नाइट क्लब में जाकर पता लगाओ क्या हुआ था मीरा के साथ। जी कहिए। मीरा यहीं रहती है ना? जी हाँ, मीरा मेरी बहन है। क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी बहन मीरा घर से गायब है और आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? मीरा गायब है, ये आप क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बहन मीरा हमारे पास है। आपके साथ है? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास है श्रेया। भैया, मुझे तो लगा था कि मैं आपको कभी दोबारा देख ही नहीं पाऊंगी। कौन है ये लड़की?
ये आपकी बहन मीरा है? ये मेरी बहन नहीं है, मैं तो इसे पहचानता भी नहीं। क्या हुआ भैया? ये मेरी बहन है मीरा। ये आपकी बहन मीरा है? जी। तो फिर ये कौन है? मुझे क्या मालूम सर, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मीरा अपना आईडी प्रूफ लेके आना। ये रहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और ये रहा मेरा पासपोर्ट। तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। थैंक यू। अरे सुनो भाई साहब, ये बार का मैनेजर कहाँ मिलेगा? थैंक यू। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से केस की तहकीकात के लिए आए। सीआईडी? क्या हुआ सर? ये मीरा है, देखा इसे यहाँ पे आपने? हाँ लेकिन ये मीरा नहीं। ये लड़की मीरा नहीं? तो फिर कौन है? ये मोनिका है, यहाँ पर डांसर थी। ये लड़की मोनिका है, ये पक्का पक्का यकीन है आपको? जी सर। ये देखिए सर, यही है ना वो? सर लड़की तो वही है, लेकिन अपना नाम बदल कर क्यों घूम रही है? अच्छा इस लड़की से कोई यहाँ मिलने आता था? कोई खास उसका? जी सर, गणपत नाम का एक आदमी से हमेशा मिलने आता था। ये गणपत कौन है? सर ये कास्टिंग मैनेजर है, मोनिका यहाँ पर फिल्म एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर आई थी और उसी को काम दिलाने में ये मदद कर रहा है। ये गणपत कहाँ मिलेगा? सर अभी यहीं पर था। यहीं पर तो था, शायद बाहर गया होगा। हाँ ओके 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 ठीक है। गणपत सर ये पकड़ो उसे, पहचानने चाहिए। मोनिका के बारे में क्या जानते हो? मैं तो बस इतना जानता हूँ साहब कि मोनिका को काम और पैसों की बहुत जरूरत थी और मैं उसे बस बड़े बड़े पार्टीज में डांस करने के लिए भेजता था साहब। लेकिन ये मोनिका मीरा कैसे बन गई? मीरा उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं साहब। सोच ले, सच खुलवाने के तरीके और भी हमारे पास। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मोनिका से मीरा वो उस विकी की वजह से बनी है। वो कौन विकी? वो उसे एक पार्टी में मिला था साहब और पता नहीं वो किस काम के लिए उसे कितने पैसों के लालच दे, मुझे पता नहीं साहब। विकी करता क्या है? देखिए वो नए पुरानी गाड़ियों को खरीदने बेचने का काम करता साहब। विकी? ये विकी विक्रम तो नहीं? हाँ शायद वही है साहब। सर इस विक्रम ने हमसे झूठ क्यों बोला? अब ये तो विक्रम ही बताएगा। सर दोनों को माथे और छाती में गोली मारी गई है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे संजय के परिवार वालों को मारा गया था। सर शायद खूनी इस खिड़की से आया होगा, इन दोनों का खून किया और वापस वहीं से चला गया। लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन किसी ने इन दोनों भाई बहनों को मारा क्यों होगा? सर ये विक्रम सर की बहन नहीं थी। तो फिर कौन थी? विक्रम सर की सेक्रेटरी पूजा। हाँ? मतलब विक्रम ने झूठ कहा हमसे? इसका ऑफिस अच्छी तरीके से छान मारो, देखो और क्या क्या मिलता है। आप लोगों ने खूनी को देखा? नहीं सर, हमने तो गोली चलने की आवाज ही नहीं सुनी। गोली चलने की आवाज नहीं है सर? सर ये पेपर्स मिले,
इंपोर्टेड गाड़ियों के कागजात। विदेशी नई गाड़ियों को पुरानी बता के आप लोग कम दामे पे बेचते हैं। विक्रम जी संजय और अजय को कैसे जानते थे? सर संजय जी और अजय जी विक्रम सर के क्लाइंट्स थे, उन्होंने भी गाड़ी खरीदी थी। सर सर ये देखिए फेम कार डीलर्स, ये कंपनी विक्रम और शांतनु दोनों के नाम पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सारा किया कराया शांतनु का है। सर प्लान के मुताबिक तो मैंने पूरा काम खत्म कर दिया। हाँ काम तो खत्म कर दिया है लेकिन खतरा और बढ़ गया है क्योंकि इस केस में सीआईडी इन्वॉल्व हो गई है। ऊपर इधर संजय और उसकी बीवी का। मगर क्यों? संजय से नफरत करता था मैं। नफरत करते थे इसलिए जान से मार दी? वो दगाबाज था, मेरी पीठ पीछे मेरे ही कस्टमर से मिलकर मेरे साथ गेम कर रहा था। वो मुझे मार्केट से निकालने की साजिश कर रहा था। और इसलिए तुम्हारे कहने पर मोनिका ने अजय को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके भैया भाभी से मिलने के बहाने फार्म हाउस पहुंच गए। हाँ प्लान के मुताबिक उसी रात को मोनिका पूरे परिवार को मार डालने वाली थी लेकिन ऐन वक्त पे उसने अपना इरादा बदल दिया। वो शायद इसलिए क्योंकि प्यार का नाटक करते करते वो सच में अजय से प्यार करने लगी थी। अजय के प्यार ने कब उसे दीवाना बना दिया मुझे पता ही नहीं चला। जब उसने बार बार मेरा फोन काट दिया तब मुझे शक हुआ, मैं हड़बड़ा गया क्योंकि कुछ ही घंटे बाद वो सब वापस शहर आ जाते और संजय को खत्म करने का मौका मेरे हाथ से निकल जाता। और इसलिए तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट किलर मनु का सहारा लिया, संजय उसकी पत्नी और अजय को खत्म करने का काम इसे सौंप दिया। हाँ। इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अपने पाप को छुपाने की, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। सात बेकसूर लोगों की हत्या के जुर्म में तुम दोनों को फांसी होगी, तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।